Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you word problems on addition and subtraction of money. Money का जो addition और subtraction है, हम लोग उसकी कुछ word problems के बारे में जानेंगे और इनको हम लोग solve करना सीखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है कि addition और subtraction तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उनके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो उनके वर्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, जिससे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम है या फिर सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एडिशन की वर्ड, जब भी आपके पास में एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होंगे। क्या होंगे? कीवर्ड्स, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आते हैं और उनसे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रही हूँ। जैसे हमारा एडिशन है, एडिशन का जो कीवर्ड है वो है टोटल। अगर कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर टोटल आपके पास में आ रहा है, इट मीन्स आप वहां पे क्या करोगे? एडिशन। इन ऑल, अगर टोटल नहीं है तो उसकी जगह इन ऑल भी हो सकता है। तीसरी चीज, अगर टोटल और इन ऑल दोनों ही नहीं है तो क्या हो सकता है उसके अंदर? ऑल टुगेदर। क्या हो सकता है? ऑल टुगेदर हो सकता है, ठीक है? और कहीं कहीं पे अगर हमारे पास में ये तीनों ही वर्ड्स ना हो तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? जैसे स्पेंड इन ऑन दिस ओकेजन, या फिर हमें किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है कि टोटल मनी पूछ रहा है, कि हमसे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है या कितनी चीजें हैं हमारे पास में, टोटल पूछा जाता है। इनडायरेक्टली उसके अंदर हमारे पास में कोई वर्ड आ जाता है, ठीक है? और वो वर्ड कौन सा हो जाता है? टोटल, ठीक है? अब बात करते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कीवर्ड्स, सब्ट्रैक्शन कीवर्ड्स, सब्ट्रैक्शन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो पहला कीवर्ड होता है उसके अंदर हाउ मच लेफ्ट। क्या होता है? हाउ मच लेफ्ट। अगर आपके पास में ऐसा कोई कीवर्ड आता है हाउ मच लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट होना चाहिए उसके अंदर, तो क्या होगा? वो हमारा सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है? लेफ्ट वर्ड होना जरूरी है हाउ मच के साथ में, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपके पास में हाउ मच लेफ्ट नहीं है तो फाइंड द अदर हो सकता है। फाइंड द अदर या फिर फाइंड द डिफरेंस भी हो सकता है। फाइंड द डिफरेंस, और अगर ये फाइंड द डिफरेंस भी आपके पास नहीं है तो क्या हो सकता है? हाउ मच मोर, हाउ मच मोर विच इज लेसर, विच इज लेसर। अगर एक नंबर कम है तो दूसरा वाला नंबर उससे कितना ज्यादा है, ऐसी वाली जो कंडीशंस होती है उनके अंदर आपको क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है? तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि आप एडिशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करोगे। दूसरी चीज, आपके पास में कि जो सब्ट्रैक्शन के हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम राइट कर रही हूँ। सबसे पहले इरेज करके मैं इनको, आपके पास में है एग्जाम्पल वन और यही आपका क्वेश्चन नंबर वन भी है। तान्या हैड 64 रुपीज
हर मदर गेव हर 56 रुपीज मोर, 56 रुपीज मोर, हाउ मेनी रुपीज डिड शी हैव इन ऑल। ये हमारा क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम हमारी वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम हमारी एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम है या फिर ये वर्ड प्रॉब्लम हमारी सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको रीड कर लेते हैं। क्या है वर्ड प्रॉब्लम, तानिया हैड 64 रुपीज। तानिया के पास में कितने रुपीज हैं, 64 रुपीज। हर मदर गेव हर 56 रुपीज, उसकी मम्मा ने उसको कितने रुपीज दिए हैं, 56 रुपीज मोर। उसके पास में 64 तो पहले से ही थे, उसकी मम्मा ने उसको 56 रुपीज मोर दे दिए हैं। एंड हाउ मेनी रुपीज डिड शी हैव इन ऑल, इन ऑल आ गया, इट मीन्स आपको क्या करना है इसके अंदर, एडिशन करना है। वेरी गुड, ठीक है, एडिशन का हमें पता चल गया, अब हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन या आंसर लगा के भी आप इसको राइट कर सकते हो। पहले उसके पास में कितने रुपीज थे, 64, उसके बाद में उसकी मम्मा ने कितने दिए, 56, और इनको क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन करो, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, 10 के लिए 0, 1 को कैरी कर लेंगे, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, और ये हमारा आंसर हो गया। कितने हो गए आंसर हमारे, 64 रुपीज, 56 रुपीज एंड 120 रुपीज। अब हमें यहाँ पे साइन लगाना नहीं भूलना है, क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन जरूर लगाएंगे। साइन कौन सा, रुपीज वाला, रुपीज रुपीज, और अगर हम रुपीज और रुपीज को ऐड करते तो आंसर किस में आता है, आंसर भी हमारा रुपीज में आएगा, किस में आएगा, रुपीज में, ठीक है। ये हो गई हमारी एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम। अब हम एक दूसरी वर्ड प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं हमें एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन। आप यहाँ पे कंप्लीट रुपीज वाला साइन लगाने की जगह ओनली जो मैंने रुपीज का साइन बता रखा है आपको इस तरीके का, वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरी वर्ड प्रॉब्लम राइट करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। कोमल बॉट अ पेंसिल, कोमल बॉट अ पेंसिल फॉर 75 पैसे, शी गेव अ 1 रुपी नोट टू द शॉपकीपर how many paise did she get back, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पहले रीड कर लीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉमन बॉट अ पेंसिल ऑफ 75 पैसे। कोमल ने एक पेंसिल बॉट करी है, खरीदी है, परचेज करी है, कितने पैसे की, 75 पैसे की। शी गेव, उसने शॉपकीपर को 1 रुपी का नोट।
नोट दिया, आपको पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन, 1 रुपी, रुपी का मैं यहाँ पे साइन लगा रही हूँ, इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी के अंदर कितने पैसे हो गए, 100 पैसे, क्योंकि हमें पैसे में ही चीज खरीदी हमने, तो हम इसको भी किसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे, पैसे में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, इसी चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब हमने 100 पैसे दिए उसको, तो हाउ मेनी पैसे डिड शी गेट बैक, तो दुकानदार उसको वापस कितने रुपए देगा, उसने 100 रुपए का नोट दिया, ठीक है, सॉरी 100 पैसे, इट मीन्स 1 रुपी का उसने क्या दिया, नोट दिया, और उसमें से 75 पैसे की इसने एक पेंसिल ले ली, तो वो दुकानदार उसको वापस कितने रुपए देगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। टोटल मनी जो उसने उसको दिया है शॉपकीपर को, इट मीन्स 100 पैसे, उसमें से हमें जो पेंसिल हमने खरीदी है उसका प्राइस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने रुपीज उसको वापस मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, 100 पैसे माइनस 75 पैसे, 100 पैसे में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 75 पैसे। अब जब हम पैसे का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आंसर भी किसमें आएगा, पैसे में आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो, 0 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इससे बोरो करेंगे, लेकिन ये तो पहले से 0 है, तो हम इस वाले कॉलम से क्या करेंगे, बोरो करेंगे, और ये जहां से हम बोरो करते हैं वो 1 माइनस हो जाता है, तो 1 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो गया, और ये वाला 0 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि जिस कॉलम के लिए हम लोग बोरो करते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट वाली टर्म में, उसके बीच में अगर कोई 0 आता है तो वो 9 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो 5, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो 2, कितना आ गया आंसर आपका, 25 पैसे। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज रिगार्डिंग दीज वर्ड प्रॉब्लम्स एंड दीज कीवर्ड्स, देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।